बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। ये प्रोग्राम आप देखते हैं मंगल की शाम 6 बजे से 7 बजे तक, और इस प्रोग्राम में आप भी शामिल हो सकते हैं एक लाइव कॉल के ज़रिए। अगर आपका कोई भी तिब्बी मसला है तो आप बता सकते हैं, और आपके सवालात के जवाबात देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब, आज भी वो मौजूद हैं। पहले उन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी सारे होते हैं, प्रोग्राम का टाइम जो है वो बिल्कुल कम पड़ जाता है, तो लिहाजा पहले डॉक्टर साहब को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो डॉक्टर साहब आ चुके हैं, अपना कीमती टाइम आपके लिए जो है सर्व करते हैं। ये एक घंटा जो होता है इसमें हमारे जितने भी देखने वाले हैं प्रोग्राम, K2 चैनल की स्क्रीन जो देखते हैं उनको पता है कि ये प्रोग्राम सेहत के हवाले से है, तो आप भी शामिल रहिए। स्क्रीन पे नंबर्स चल रहे होते हैं, मैं भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। और जो लाइव कॉल करने के लिए नंबर है वो पहले आप नोट कर लीजिए, 0514102251 पे आपने कॉल करनी है लाइव। और इसके अलावा अगर कोई भी बात करनी है, कोई दवा के हवाले से पूछना है, या फिर कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में आप प्रोग्राम में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो वो आप व्हाट्सएप पे डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन पे चल रहे हैं, मैं भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, 0300-333-9378, और एक और व्हाट्सएप नंबर है 0300-911-6681, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। नाज़रीन, पिछला जो प्रोग्राम था उसमें हमने कोशिश की कि स्किन के हवाले से और बालों के हवाले से बात की जाए। स्किन के हवाले से डिटेल में डॉक्टर साहब से बात हुई थी, लेकिन बालों के हवाले से काफ़ी सारे जो मसाइल हैं वो डिस्कस करने रह गए थे क्योंकि टाइम की कमी के बायस, क्योंकि आपकी लाइव कॉल्स भी हम शामिल करते हैं। तो सबसे पहले बालों के हवाले से कुछ हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे मसाइल देखने में आते हैं डॉक्टर साहब, जिनमें मेन जो मसला है वो है बालों का झड़ना, बालों का गिरना, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? बहुत सारी रीजंस हैं, एक तो जेनेटिक रीजंस भी हैं जी, ठीक है। फर्ज करें आप मेल हैं और आपके वालिदैन, वालिद के और फैमिली में बाल्डनेस है, तो वो एक वजह हो सकती है कि आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं और आप बाल्डनेस की तरफ यानी गंजपन की तरफ आप जाते हैं। इसके अलावा खवातीन में भी बाज़ औक़ात बालों का गिरना बड़ा ज्यादा हो जाता है, तो उसमें कुछ हार्मोनल वजूहात होती हैं। अमूमन ये विटामिन डी की डिफिशेंसी की वजह से भी बाल गिरते हैं। अच्छा। और फिर जो विटामिन B12 है उसकी बहुत कमी है लोगों में, उसकी वजह से भी बाल गिर जाते हैं, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सही। तो डॉक्टर साहब एक और जो बालों का मसला है, मेडिसिन भी हम पूछेंगे, इसके अलावा एक और कॉमन मसला है लोगों का कि जी छोटी उम्र में बालों का सफेद हो जाना। जी बिल्कुल। इसके पीछे क्या? इसके पीछे भी वजूहात बहुत सारे हैं, स्ट्रेस भी इसके पीछे एक वजह होती है, ठीक है। जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस की हालत में भी उनके जो बाल हैं वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं प्री मेच्योर। इसी तरह विटामिन B12 की कमी की वजह से जिस तरह बाल गिरते हैं इसी तरह बाल सफेद भी होते हैं। इसी तरह कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, बाज़ लोगों के जीन्स में ऐसा होता है कि उनके बाल वक्त से पहले जो है वो सफेद होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि ज्यादातर यंगस्टर्स जो हमारे हैं उनकी ये शिकायत होती है कि जी हमारे बाल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता वाइट होना शुरू हो गए। तो डॉक्टर साहब ये भी देखने में आता है कि काफी सारे लोग जो हैं वो केमिकल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं बालों पे, क्या या एक ये भी रीजन हो सकता है बालों के सफेद होने का? हाँ बिल्कुल, जो खासकर वो चीजें जिससे स्टाइलिंग की जाती है बालों पे लगाई जाए, वो भी आपके बाल कमजोर करते हैं। आपके बालों को जो रंग मुहैया करने वाले ग्लैंड्स हैं वो मेलानिन की प्रोडक्शन उस तरह से नहीं कर पाते, या तो वो ब्लॉक हो जाते हैं जिसकी वजह से बाल सफेद भी हो सकते हैं और बाल कमजोर होके गिर भी सकते हैं। अमूमन ऐसे भी हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जी उनके एग्जाम के दिनों में या जो स्ट्रेस की हालत में होते हैं उनके बाल बहुत ज्यादा सफेद हो जाते हैं। जो ही उनका एग्जाम गुजर जाता है और वो स्ट्रेस की सिचुएशन उनकी खत्म हो जाती है, वही सफेद बाल वापस अपने रंग में आ जाते हैं। बिल्कुल जी, यानी कि ज़हनी दबाव जो है ये भी एक बड़ी वजह है आपके बालों के जल्दी सफेद होने का। तो ये है कि स्ट्रेस ना लिया करें, एक तो ये किया रहे हैं, और दूसरा डॉक्टर साहब क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि इसके पीछे तो काफी सारी वजूहात हैं, तो हर वजह के हवाले से आप फिर जाहिर सी बात है उसके हवाले से मेडिसिन होगी। डाइट अपनी अच्छी रखें, ठीक है, डाइट अपनी अच्छी रखें, एक्सरसाइज करें। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप की डाइट भी अगर साथ अच्छी हो तो जो भी डिफिशेंसीज होती है
वो पूरी हो जाती है, आपकी एब्जॉर्प्शन खुराक की सही तरीके से होती है, खुराक जज्वबदन होता है और ना आप में विटामिन्स की कोई कमी आती है ना कोई विटामिन डी की कमी आती है। तो खुराक और एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपके बाल हेल्दी रहते हैं। हम खुद भी प्रैक्टिकली इसको देखते हैं, जब हम जाते हैं हाइकिंग के लिए वापस आते हैं, बाल बिल्कुल जो है वो फ्रेश सीधे सीधे खड़े होते हैं। तो एक्सरसाइज भी किया करें, यानी कि एक्सरसाइज और आपकी अच्छी डाइट जो है वो आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है, ना सिर्फ बालों के लिए बल्कि आपकी स्किन के लिए। आप जितनी भी आप देखें तो जाहिर सी बात है जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे फेस पे भी एक फ्रेशनेस फील होती है, हमारे बाल जो है वो फ्रेश हो जाते हैं। हाँ, ये सर्कुलेशन तेज हो जाती है आपके वजूद के उन कोनों तक ब्लड पहुंच जाते हैं जहाँ तक आमतौर पर ब्लड की सर्कुलेशन सही मकदार में नहीं हो रही होती, तो एक्सरसाइज भी ठीक है। सही, तो डॉक्टर साहब अगर जिन लोगों के बाल जो हैं वो गिर रहे हैं ज्यादा हार्मोन की वजह से, तो उनको फिर कौन सा मेडिसिन जो है वो, क्योंकि ये तो टेस्ट के बाद ही पता चल जी सकता खवातीन है। में खवातीन में अगर बाल ज्यादा गिर रहे हैं वो तूजा का इस्तेमाल किया करें, एसिड फ्लोर का इस्तेमाल करें। अगर मर्द हजरात में बाल गिर रहे हैं और हद से ज्यादा गिरने लगे हैं तो एसिड फॉस सेलेनियम लाइकोपोडियम अच्छी दवाई है। सही, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी फतेहगंज से। अच्छा डॉक्टर साहब से कब बात होगी? जी जी आप बात कीजिए। जी करें बात, क्या पूछना चाहेंगे आप? अच्छा डॉक्टर साहब फतेहगंज से दोबारिया बोल रही हूँ। जी जी खैर याद करें आप, टाइम बहुत है आपके पास। अच्छा डॉक्टर साहब, अम्मी और अबू गए थे मेडिसिन लेकर आए थे, अम्मी की बवासीर की मेडिसिन लेकर आए थे ना आपसे। ठीक है। और बवासीर और दूसरा जो एंग्जाइटी का मसला होता है ना, ठीक है, लेकर आए थे। ठीक है, कैसी है आपकी वालिदा? ये अम्मी का मसला थोड़ा सा ज्यादा ही होता जा रहा है, आज तो बहुत ज्यादा होने बवासीर की तकलीफ हुई है, ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा शदीद तकलीफ हो गई है, ब्लीडिंग उनकी हो रही है। वो दूसरा भी घबराहट वाला भी मसला बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है उनकी? ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन भी है? पेट नहीं नहीं ब्लीडिंग नहीं हुई है उन्हें। ठीक है ठीक है, क्या उनको तकलीफ हो रही है? वो कह रही है कि पहले होती रही है ब्लीडिंग, लेकिन आज दर्द बहुत ज्यादा था। ठीक है ठीक है, चले मैं आपको एक मेडिसिन बताता हूँ, ये आप उनके लिए अरेंज कर लें। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। ठीक है जी, तो ये एनल पेन या रेक्टम पेन जो बवासीर के मरीजों में अमूमन पाई जाती है जी, इसमें एस्कुलस हिप जी, एस्कुलस हिप क्यू पोटेंसी में इनको अरेंज करनी चाहिए और 10-10 ड्रॉप्स देंगी थोड़ी सी पानी में सुबह और शाम, तो इंशाल्लाह इनका दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है, मेडिसिन का इस्तेमाल जो है डॉक्टर साहब ने बता दिया है आपको, आपने उसी तरह इस्तेमाल करना है जिस तरह एंजाइटी के हवाले से इन्होंने कहा कि उसके लिए मेडिसिन जो है आपने रिकमेंड की थी। जी ये एंजाइटी के लिए इग्निशिया खवातीन के लिए ठीक है, इग्निशिया तो ये कितने टाइम इन्होंने लिया? ये सुबह और शाम लेनी चाहिए। बिल्कुल, और जिस तरह एंजाइटी की बात करते हैं तो ऐसे मरीजों के लिए जो है वही बात आ जाती है जैसे हम पहले स्ट्रेस की बात कर रहे थे, तो थोड़ा सा अपने माहौल को भी चेंज करना जरूरी होता है, खुली आबो हवा में चले जाया करें। अगर आप इस तरह की फीलिंग हो रही होती है आपको, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो दवा के साथ साथ थोड़ा सा माहौल भी चेंज हो जाए तो ये ज्यादा बेस्ट है। ग्रीनरी दे के कुछ पानी दे के कुछ आबो हवा चेंज करें। बिल्कुल जी। खैर एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं नासिर बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी क्या कहना चाहेंगे? जी मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता था, डॉक्टर साहब से ये बात करनी है। जी जी, कि मैं अचानक रात को मैं सोया था तो अचानक से रात को उठा और तकरीबन मेरा आधा मिनट जो है ना मुझे सांस एकदम बंद हो गया था। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? अल्हम्दुलिल्लाह 45 ईयर है। ठीक है, और आपके फैमिली में दिल की कोई बीमारी है? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और तो ये अचानक से ये कल फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है, अक्सर जो है ना मेदे का प्रॉब्लम रहता है, और कल मे भी शायद मैंने खाना खाया तो मैं सो गया अचानक से ना। ठीक, उसके बाद ये मुझे ये प्रॉब्लम अचानक से हुआ था। ठीक हो गया। ठीक है, मेदे में कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ज्यादा होती है आपको?
बस कभी कभार हो जाता प्रॉब्लम, तो उसकी मैं मेडिसिन ले लेता हूँ। ठीक है ठीक है, चलिए मैं आपको एक मेडिसिन बता रहा हूँ और इस पे बात भी करते हैं थोड़ी सी। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, प्रोग्राम देखते रहिए जी। अच्छा, ये लेटे लेटे जब आपकी सांस बिगड़ जाती है और आप अचानक घबरा के उठ जाते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं डिस्पनिया। डिस्पनिया ठीक है, ये अमूमन दिल के मरीजों में ऐसा पाया जाता है, ठीक है, या जो सांस के मरीज है, जब वजूद में ऑक्सीजन की एक्युमुलेशन कम हो जाती है, ऑक्सीजन की सेचुरेशन कम हो जाती है, तो उसकी वजह से भी अचानक बंदा उठता है और लंबी लंबे सांस लेनी पड़ती है ताकि वजूद में वो ऑक्सीजन की कमी पूरी हो जाए। ठीक है, इसी तरह दिल के मरीजों में जिनका दिल कमजोर होता है, खून की सर्कुलेशन या आर्टरीज जो है उसमें कोई बंदिश हो तो उनमें भी होता है, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है उनमें भी ये कैफियत अमूमन आ सकती है, और जिनको मोटापा ज्यादा है, मोटापे के मरीजों को भी ऐसा फेस करना पड़ता है, जो एलर्जी के मरीज हैं, फर्ज करें आजकल पोलन बहुत आम है, पोलन के मरीजों में भी ऐसी कैफियत पैदा हो सकती है। इनकी दवाई है कार्बोविज। कार्बोविज 200 पोटेंसी में रात को सोने से पहले इन्होंने लेनी है। बिल्कुल जी, कार्बोविज मेडिसिन का नाम है, ये आपने इस्तेमाल करनी है, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके पीछे काफी सारी वजूहात हैं, डॉक्टर को चेकअप करवा लेना चाहिए। जी बिल्कुल जी, डॉक्टर को चेकअप भी करवा लें। खैर, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ पेशावर से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से पूछना था, लास्ट कोरोना के बाद लास्ट जो लहर गुजरी थी उसमें मुझे कोविड हो गया था। ठीक है, कोविड के बाद मैंने अपना शुगर जब चेक करवाया तो मैं शुगर पेशेंट बन चुका था, तकरीबन कोई 12.5 तक को A1C चले गई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने परहेज शुरू किया और बाकी जो मेडिसिन थे थोड़े बहुत वो भी खाना शुरू किए, तकरीबन अभी जो लास्ट जो मैंने किया वो 6.5 तक आ गया। और मेरे साथ सर ये है इस वक्त के मेरे जो स्किन है ना वो मतलब एजिंग फैक्टर बहुत तेजी से मतलब शो हो रहा है, जब से मतलब लास्ट मैंने मेडिसिन शुरू की है ये शुगर की, तो उस वजह से एजिंग जो फैक्टर है बहुत तेजी से शुरू हुई है। एक तो मेरा स्किन पहले ऑयली था और अब थोड़ा सूखा सूखा सा है, तो जरा बता सकते हैं कि क्या करूं मैं, मतलब डाइट में क्या करें चाहिए जो शुगर को इफेक्ट ना करे और स्किन भी उससे बेहतर हो जाए? ठीक है बिल्कुल, इस पे बात करते हैं। आप मेडिसिन ले रहे हैं शुगर की? जी 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 बिल्कुल, मैं ग्लूकोपेज XR इस वक्त ले रहा हूँ जी। ठीक है ठीक है, इस पे आपको बताते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर जी, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे फिर इस सवाल का जवाब लेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, हम गए थे ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ मौजूद थे, पेशावर से कॉल थी और उन्होंने कोरोना के हवाले से क्वेश्चन किया था, तो डॉक्टर साहब उनको जी बिल्कुल, इनको डायबिटीज है और डायबिटीज की वजह से इन्होंने बताया कि स्किन के जो एजिंग फैक्टर है, स्किन बूढ़ी होना शुरू हो गई, मुरझा गई है। ठीक है, शुगर के मरीजों में अमूमन ऐसा होता है, ये जो शुगर है ये आपके स्किन के जो कोलेजन है, ठीक है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके स्किन के, ये इसके साथ बाइंड होना शुरू हो जाता है शुगर। ठीक है, जिसकी वजह से स्किन मुरझा जाती है, न सिर्फ स्किन बल्कि आपकी हड्डियां भी बूढ़ी होना शुरू हो जाती है, वक्त से पहले कमजोर होना शुरू हो जाती है। तो इसमें हमारी होम्योपैथी की मेडिसिन है साइजीजियम। साइजीजियम साइजीजियम न सिर्फ आपके शुगर लेवल को कम करती है खून में, बल्कि आपके खून में जो एक्स्ट्रा शुगर है उसकी जो लेस है, जो चिकनाहट है, जो चिपचिपाहट है शुगर की, वो कम करती है। ठीक है, जिसकी वजह से शुगर के जो असरात होते हैं वो जूत पे, ठीक है, यानी आपका आप ज़्यादा वो एज के लगना शुरू हो जाते हैं, वो स्टॉप हो जाता है, और आपके जो शुगर की वजह से शरियाने बंद होने का खदशा होता है वो खदशा ख़त्म हो जाता है। आपकी शुगर की वजह से जो डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, यानी जो आपके नर्व्स हैं छोटे छोटे, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं इसी शुगर की लेस की वजह से, चिपचिपाहट की वजह से,
तो वो टेंडेंसी भी इसमें ख़त्म हो जाती है। तो भला जो भी दवाई ले रहे हैं साइजीजियम क्यों पोटेंसी में 10 कतरे सुबह नहार पेट रेगुलर इनको लेनी चाहिए, तो शुगर के जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं उससे ये बचे रहेंगे। बिल्कुल जी, जो इलामात जाहिर होती हैं इस मर्ज से उन पे काफी हद तक कंट्रोल हो सकता है। तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कीजिएगा। जी आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम, हम काफी दफा कॉल किया, तो मेरा ना गर्दन का मसला है और बड़ा संगीन मसला है। डॉक्टर से तकरीबन 6-7 माह से है, मेरी गर्दन नीचे को झुकती है, कोई चीज चुनने वगैरह के लिए कि 1 किलो चावल भी नहीं चुने जाते, इसके गर्दन के मोरे का भी थोड़ा। अच्छा जी, यानी कि इनको गर्दन के मोरों का मसला है, जो ये सर को झुका के कोई काम करती हैं तो ज्यादा देर जो है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारा जो स्पाइन है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है जी, इसके बीच में जो हमारा स्पाइन है इसको तो हमारे रिब केज की सपोर्ट हासिल है, ठीक है। तो अमूमन ये बीच की जो रीढ़ की हड्डी है इसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं आती, इंजरी की हालत में आ जाती है। सही। लेकिन इससे ऊपर जो सर्वाइकल स्पाइन है और नीचे जो लुम्बर सेक्रल स्पाइन है इनमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ठीक है। इन मोहरों के बीच में लगे होते हैं डिस्क, ठीक है। मेन मसला उन डिस्क की वजह से बन जाता है, ठीक है। कल्केरिया फ्लोर इनको लेनी चाहिए। कल्केरिया फ्लोर जी, कल्केरिया फ्लोर 6 एक्सपोटेंसी में लेंगे तो जो सर्वाइकल मोहरों के कोई भी प्रॉब्लम हो डिस्क की वजह से वो इनका ठीक हो जाएगा। अगर इनके गर्दन में पेन हो रहा है वो नहीं होगा, अगर इनके गर्दन से पेन हाथ में रेडिएट कर रहा है वो नहीं होगा, अगर इनको चक्कर आते हैं चक्कर नहीं आएंगे, अगर इनके हाथ सुन्न होते हैं तो वो भी नहीं आएंगे। कल्केरिया फ्लोर ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जिस तरह आपने रीढ़ की हड्डी के हवाले से बात की उसी तरह हम देख रहे हैं कि जहां मोरों की बात होती है, गर्दन के मोरे हो गए, रीढ़ की हड्डी के मोरे हो गए, इन्हीं के साथ रिलेटेड एक और चीज जो कॉमन होती जा रही है शटिका, उस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे आज, क्योंकि काफी सारे ऐसे मरीज हैं जिनका कहना है कि जी हमें इस बारे में थोड़ी सी आगाही जो है वो दी जाए या फिर मेडिसिन के हवाले से बताया जाए, क्योंकि जब वो एलोपैथी वाली साइड पे जाते हैं तो उनको तो फिर सर्जरी और इस तरह की चीजें मेडिसिन दे देते हैं लेकिन वो वक्ती वो है मुस्तकिल आराम नहीं आ रहा जी। उसकी वजह ये है कि जो कन्वेंशनल मेडिकल साइंस है, जो इंग्लिश एलोपैथिक मेडिकल साइंस है, उसका ये मानना है कि हमारी दवाइयाँ एलोपैथिक हमारी दवाइयाँ ये डिस्क तक नहीं पहुँच सकती या हमारे मोहरों के बीच में जो डिस्क लगे हैं उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन हमारी होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं है। हमारे पास जिस तरह मैंने इन खातून को बताया कल्केरिया फ्लोर एक ऐसी दवाई है जो डायरेक्टली एक्शन दिखाती है डिस्क पे, ठीक है। बाजुकात अर्कुनिसा की आपने बात की तो अर्कुनिसा की तकलीफ भी मोहरों की वजह से ज्यादातर बनती है, ठीक है। दो बड़े वजूहात हैं, या तो स्पाइन या दूसरी वजह मस्कुलर स्पैज्म, ठीक है। तो स्पाइन की वजह से 90% केसेस में अर्कुनिसा की शिकायत डेवलप होती है, या तो ये जो डिस्क हैं इनकी जो इनमें जो लचक होती है वो कम हो जाती है, फैल जाते हैं, जिसकी वजह से या लेफ्ट या राइट की जो अर्कुनिसा वाली रग है वो दब जाती है, ठीक है। या ये डिस्क हर्निएट हो जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है। किसी जो मजदूरी करते हैं, जो वजन वाला काम करते हैं, उनमें अमूमन ऐसा पाया जाता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन से अर्कुनिसा की तकलीफ बिल्कुल ठीक हो जाती है। हजारों केसेस हमारे क्लिनिक में अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुए हैं, ऐसे केसेस जो सहारा पकड़ के आए थे और वो ठीक हुए हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें जो पेन होता है उसके लिए आप फिर मेडिसिन जो है बताइएगा, क्योंकि दिल्ली का जो पेन है वो थोड़ा तकलीफ दे अमल होता है। तो खैर एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या पूछना चाहेंगे सर? एलर्जी सब बन जाती है, हर गर्म ठंडी चीज से एलर्जी, और धूप से ब्लड प्रेशर, और चाय से ब्लड प्रेशर, और नमक से ब्लड प्रेशर, और दिल की धड़कन से, और जोड़ों में सूजन बन जाती है। ठीक है ठीक है। आपकी उम्र कितनी है सर? उम्र मेरी 60 साल। ठीक है ठीक है। और आपको शुगर तो नहीं है ना सर? शुगर 114 रहती है, इससे ज्यादा ही बचपन को 40 साल से बनती है, और दिल की धड़कन तेज हो जाती है धूप से और चाय से, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और जामी चीनी
ठंडे पानी में लेने से ब्लड प्रेशर भी कम हो जाते, ठीक हो जाते। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। मैं इसके लिए आपको दो दवाइयां बताऊंगा, दोनों आपने लेनी है, ठीक है? जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, प्रोग्राम आप देखते रहिए। देखिए, हमारी होम्योपैथी की खासियत ये है कि हम अपने प्रैक्टिस में मॉडलिटीज को और एग्रेवेशंस को कंसिडर करते हैं, दूसरी तरफ एलोपैथिक साइड में इसको कोई अहमियत नहीं दी जाती, ठीक है? ये जो इन्होंने बताया इसको हम मॉडलिटीज कहते हैं, ठीक है? हर मरीज डॉक्टर को अपनी मॉडलिटीज बताता है अपने मर्ज की, ठीक है? ये नहीं धूप में निकलने से मेरा बीपी हाई हो जाता है, चाय पीने से मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। एलोपैथिक साइड में 3-4 दवाइयां हैं ब्लड प्रेशर की, सारी एलोपैथी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। हमारी होम्योपैथी में 40 मेडिसिन है ब्लड प्रेशर की, ठीक है, जो वेरी करती है हर मरीज के लिए, ठीक है? अभी फर्ज करें किसी का स्ट्रेस की वजह से बीपी हाई होता है, किसी का गुर्दों की किसी खराबी की वजह से हाई होता है, किसी का कोलेस्ट्रोल की वजह से, किसी का बहुत सारे वजूहत होते हैं। इनकी जो कंडीशन है इनको मैं एक दवाई बताने लगा हूँ, दवाई का नाम है ग्लो नाइन। ग्लो नाइन 30 पोटेंसी में सुबह और शाम इन्होंने लेनी है, ठीक है? और दूसरी दवाई है क्रेटेगस क्यों पोटेंसी में 10 कतरे सुबह लेने हैं, ठीक है? ये दो दवाइयां लेंगे तो इंशाल्लाह इनका बीपी भी बेहतर रहेगा, ठीक है? और इनकी जो कैफियत इन्होंने बताई है सब इनकी ठीक हो जाएंगी, अंग्रेजी दवाई से भी बचे रहेंगे। सही, बिल्कुल जी, आपने दवाओं का इस्तेमाल करना है, डॉक्टर साहब ने इस्तेमाल का तरीका भी बता दिया है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वेलकम। सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी मैं रावचंडी से बोल रही हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? जी मैं, मेरे बच्चेदानी के गिर में इन्फेक्शन है, वो बहुत इलाज करवाया लेकिन कहीं से आराम नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, मैं इस पे बात भी करता हूँ, आपको मेडिसिन भी बताऊँ। मैं मोरों का भी मसला है साथ, कुछ समझ नहीं आता, मोरों का भी मसला है और ये मुझे ऊपर ये नहीं होता, कंधे में भी दर्द बहुत ज्यादा होता है। मेंसेस में ब्लीडिंग ज्यादा तो नहीं होती हद से ज्यादा? जी क्या जी? महवारी में खून ज्यादा तो नहीं आता? पहले कम आता था लेकिन अब ज्यादा आता है। ठीक है, और ऐसे हर वक्त मुझे चुभन सी महसूस होती है, मैं बैठती हूँ ना तो जैसे कांटे चुभ रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, इस पे बात करते हैं, ठीक है? जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, आप प्रोग्राम देखती रहिए, ठीक है? जी, तो ये जो यूट्रस इन्फेक्शन, हाँ जी, ये यूट्राइन इन्फेक्शन, बहुत खवातीन ऐसी आती हैं जिनको ये इन्फेक्शन और काफ़ी अरसे से लाहक होता है, मुख्तलिफ दवाइयाँ ले रही होती है, वक्ती तवर आराम आता है, दवाई जूं ही बंद की फिर तकलीफ। इस इन्फेक्शन को अगर वक्त ज़्यादा गुजर जाए तो इसमें एक कंडीशन डिवेलप होती है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस में बच्चेदानी का ओवरिस का बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है? उसमें फिर एक ही ऑप्शन होता है कि बच्चेदानी को ओवरिस समेत निकाल दें, ठीक है? हम इस पे मज़ीद भी बात करेंगे, टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। बैक नाजरीन, हम गए थे एक ब्रेक पे, और ब्रेक पे जाने से पहले एक कॉलर हमारे साथ थी और उनका यूट्रस का मसला था, उस हवाले से डॉक्टर। हाँ जी बिल्कुल, यूट्राइन इन्फेक्शन था और काफी अरसे से था। यूट्रस इन्फेक्शन के लिए हमारी होम्योपैथी में है थैलेसपी 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम इन्होंने लेनी है, ठीक है? और 3 माह तक रेगुलर लें तो इंशाल्लाह इस इन्फेक्शन से इनको मुस्तकिल तौर पे आराम मिल जाएगा, ठीक है? और जिस तरह डॉक्टर साहब ने मेडिसिन का नाम बताया है, आपने इसको इस्तेमाल करना है जितने टाइम तक डॉक्टर साहब ने बताया है। इसके अलावा उनका जो कंधे में दर्द और मोहरों का जो कह रही थी मसला है, जी जी, तो उस हवाले से कोई मेडिसिन आप बताएंगे? फिलहाल उस हवाले से कोई नहीं बताएंगे, इंशाल्लाह इनका यूट्रस का जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा, तो इनकी बहुत सारी तकलीफें उसके साथ खत्म हो जाएंगी, ठीक है? तो डॉक्टर साहब हम शाटिका के हवाले से बात कर रहे थे कि शाटिका का जो पेन होता है उसमें कोई ऐसी मेडिसिन जो दर्द जो है वो कर दे, देखें कर दे। पेन की मेडिसिन बहुत सारी मेडिसिन हैं, जिस तरह मैंने बताया कि हमारी मेडिसिन डिपेंड करती है पेशेंट की मॉडलिटी पे, ठीक है? अगर लेफ्ट
टांग में अरकुन्निसा की तकलीफ है तो कालोसिंथ दवाई हम देते हैं, अगर राइट टांग में है तो मैग्नीशिया फॉज हम देते हैं, अगर पेन रेडिएट कर रहा है यानी इलेक्ट्रिकल पेन है, मरीज कहता है कि यहाँ से ठीस उठती है पूरी टांग में जाती है, उसमें फिर हर राइट पाँव में कालमिया देते हैं हम, काशिकम देते हैं, जीनीफाइलम इसमें बड़ी बेहतरीन दवाई है, वेलेरियन, बहुत सारी दवाई है जो हर मरीज की अलग अलग सेलेक्ट की जाती है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब इसमें फर्क भी होता है दर्द में, इस पर भी हम बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी मैं अटक से बोल रही हूँ, नसरीन जी, क्या कहना चाहेंगी? डॉक्टर साहब से बात कर रही हूँ। जी कीजिए जी, क्या पूछना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं अटक से बात कर रही हूँ, इसलिए कि मेरे कानों में इन्फेक्शन है ना, तो थोड़ा थोड़ा पस और पानी है, बहुत दवाएं इस्तेमाल की है, नहीं आराम आ रहा, और फिर उसके साथ मेरे सर में भी दर्द होता है। ठीक है ठीक है, बिल्कुल, इसके लिए मैं एक दवाई बताऊंगा, इंशाल्लाह ये मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। अच्छा, आप दही और मिल्क प्रोडक्ट से परहेज करें, दूध से बनी हुई जो भी चीजें उसे एक महीने के लिए परहेज करें दवाई के साथ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। प्रोग्राम आप देखती रहिए, डॉक्टर साहब आपको मेडिसिन बताते हैं। तो ये जो कान का इन्फेक्शन होता है इसको हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, अमूमन ऐसे मरीज भी आते हैं जिनको 10 साल से कान से पस आ रही होती है और एंटीबायोटिक लेते हैं वक्त ही आराम, फिर दोबारा तकलीफ, दोबारा से हो जाती है। 10 साल पुराने केसेस भी काली में और दवाई के साथ ठीक हुए हैं, मुस्तकिल ठीक हुए हैं। काली में और काली में और 6 एक्सपोटेंसी में 4-4 गोली सुबह और शाम लेनी है, 2 माह तक रेगुलर लेनी है, और साथ में दूध से बनी हुई चीजों से भी परहेज करना है। अगर पस आ रही है तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा खाने पीने में भी आपको परहेज जरूरी होता है दवा के इस्तेमाल के साथ। डॉक्टर साहब जिस तरह इन्होंने कहा कि कान से पस आ रही है, अक्सर हम देखते हैं कि लोग शिकायत करते हैं कि कान में बहुत ज्यादा खारिश होती है, और मतलब बिल्कुल कान जैसे अचानक बंद हो जाना, फिर वो आवाज सही हो जाना, रेशे की अलामत है, रेशे की, इसमें सिलिशिया 6 एक्सपोटेंसी में अगर इस्तेमाल की जाए तो ये तकलीफ खत्म हो जाती है। जी, तो एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? ये डॉक्टर साहब से बात करनी है, फियाज अहमद अब्दुल्ला से बोल रहा हूँ। जी कीजिए बात। जी हेलो। हेलो जी, जी बात कीजिए, क्या पूछना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सर वाइफ है उसके ये जिगर पे भी चर्बी है और वो आवाज की नाली के साथ भी चर्बी है, तो उसकी कोई मेडिसिन बता दें, तो फूल का ही बता दें तो बेहतर होगा। ठीक है, दवाई का नाम आप नोट कीजिएगा, बता दें सर। जी बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। फैटी लिवर, हाँ जी बिल्कुल, फैटी लिवर है, कोलेस्ट्रीनियम 3 एक्सपोटेंसी में 6 महीने तक यूज करनी चाहिए जी। ये दवा जो है आपको इस्तेमाल करनी है, डॉक्टर साहब ने आपको टाइम बता दिया है कितने टाइम तक आपने इस्तेमाल करनी है। तो हम बात कर रहे थे शटिका के दर्द के हवाले से, तो डॉक्टर साहब शटिका के जो मरीज हैं वो अक्सर ये भी शिकायत करते हैं कि हमें दिन को दर्द नहीं होता, जैसे हम लेटते हैं तो रात के टाइम में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है। रस्टॉक्स ये देखें, जब भी आप फर्श करें लेट जाते हैं, या जब आप खड़े होते हैं तो आपके मोहरों पे एक मुस्तकिल प्रेशर जो है वो हो रहा होता है। ठीक है, जब आप लेट जाते हैं तो वो प्रेशर तो खत्म हो जाते हैं, तो रस्टॉक्स इसकी दवाई है। रस्टॉक्स, हाँ जी, ये आपने मोडलिटी बताई ना, तो मोडलिटी के मुताबिक रस्टॉक्स इनकी दवाई है। अदरवाइज अगर यही पेशेंट कहता है कि मैं जब चलने लगता हूँ मुझे तकलीफ होती है, फिर इसमें ब्रायूनिया अच्छी दवाई थी, तो ये पेशेंट जो आपका है ये रस्टॉक्स 200 पोटेंसी में एक खुराक लेंगे रात को सोने से पहले, तो इनको तकलीफ बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल जी, हम देख रहे हैं कि शाटिका के हवाले से एलोपैथी वाली साइड पे मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करें, लेकिन वो आराम नहीं आ रहा हो, तो खासतौर पे पेन के लिए, तो पेन किलर खा के उससे और ज्यादा आप अपने मैदे को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, गुर्दों को भी नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। तो जहां बात होम्योपैथी मेडिसिन की आती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके पीछे वजूहात जाना बड़ा जरूरी है, हर वजह सियाटिका अरकुन्निसा के अल्हम्दुलिल्लाह एक भी ऐसा केस आज तक हमारे हाथ से नहीं गया जो ठीक ना हुआ हो ना। सियाटिका के सारे केस ठीक होते हैं होम्योपैथी में, सिर्फ अगर उनको
करेक्ट मेडिसिन दी जाए, उनकी मॉडलिटी के मुताबिक, उनकी वजह जान के उसके मुताबिक दवाई दी जाए ना, तो शियाटिका का जो केस है वो कभी ऑपरेशन की तरफ हमसे नहीं जाता। बिल्कुल जी, खैर बातचीत तो चलती रहेगी, जैसा कि हम शियाटिका के हवाले से काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये कॉमन होता जा रहा है, हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारे यंगस्टर्स को ये हो रहा है ज़्यादा। तो खैर एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं जी? साबिर बोल रहा हूँ मोरू सिंह से। जी क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से ये बात करनी है कि वो वाइफ है हमारी, उनको पैर चलने में बहुत तकलीफ होती है, यानी कि पैर सुन हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा चलना चलती है तो फिर पैर जाम हो जाते हैं। ठीक है, उनको उम्रे पर गए घुटनों की तकलीफ, हाँ शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है। ठीक है ठीक है, जोड़ों में भी तकलीफ है उनको? हाँ जोड़ों में कभी कभी तकलीफ हो जाती है। ठीक है, और कमर दर्द भी बताती है? कमर दर्द भी अभी होना शुरू हुआ है, एक हफ्ते 10 दिन से। ठीक है, मैं आपको दो दवाइयां बताऊंगा, ये आप उनके लिए ले लें तो इंशाल्लाह उम्रे के लिए आसानी होगी उनकी। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब आपको बताते हैं। तो वो बता रही थी ना कि उम्रे पे शायद इनका कोई प्रोग्राम है, तो ये जो लोग उम्रे पे जा रहे होते हैं जिनके जोड़ शोड़ खराब हो गए होते हैं, तो ये पहले डॉक्टर के पास जरूर जाते हैं, जरूर जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि ठीक करे मुझे, मैं आपको स्पेशल दुआ करूंगी। ये भी अच्छी बात है, देखिए इस बारे में दुआएं मिल जाती हैं। ब्रायूनिया 200 पोटेंसी में, ठीक है जी, इसके साथ इनको दर्द नहीं होंगे। और जीनी पाइलम 200 पोटेंसी में एक खुराक, ये दोनों दवाइयां लेंगी तो इंशाल्लाह इसके साथ ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब ये जो एक खुराक आपने बताई है ये इसी मेडिसिन के साथ इस्तेमाल करनी है, तो इसमें गैप देना है फिर लेनी है, या फिर एक ही दफा लेनी है? दो मिनट का वक्फा तो होना चाहिए, जो 200 पोटेंसी की मेडिसिन होती है, जिस तरह इनकी जीनी पाइलम 200 है, सबसे पहले सुबह निहार पेट ये दवाई ले ली, ठीक है, दूसरी दवाई है ब्रायूनिया, तो थोड़ी देर बाद जो है वो ब्रायूनिया 30 पोटेंसी में 5 कतरे ले लिए, तो ये डेली लेनी होगी? हाँ डेली लेनी होगी। बिल्कुल जी, ये दोनों आपने रोजाना इस्तेमाल करनी है जैसे डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है। तो जिस तरह हम देख रहे हैं कि जिस तरह इन्होंने कहा कि पांव सुन हो जाते हैं जी, और दूसरा उनके घुटनों में तकलीफ आती है, कमर में भी तकलीफ आती है, तो इसके पीछे भी वजन का ज्यादा होना भी वजन हो सकता है, एज? हाँ वजन तो अपनी जगह, एक बात एलोपैथी में तो इग्नोर ही की जाती है, ख्वातीन में जब मेंसेस बंद हो जाते हैं, माहवारी स्टॉप हो जाती है, तो ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है जी, इसी हार्मोन की वजह से भी जोड़ों के अमराज, मोटापा, ये प्रॉब्लम जो है ख्वातीन में बड़े आम पाए जाते हैं। सही, तो डॉक्टर साहब जिस तरह जोड़ों के हवाले से बात हो रही है, जोड़ों का दर्द भी बहुत आम है हम देखते हैं एज के साथ, जिस तरह आपने एक वजह बताई, उसके अलावा क्या वजूहात हो सकती हैं जोड़ों के दर्द? देखिए यूरिक एसिड सबसे पहली वजह है, ठीक है, यूरिक एसिड की मकदार अगर आपके ब्लड में ज्यादा है और वो आपके जोड़ों में जाके डिपॉजिट हो जाए तो वो आपके जोड़ खराब कर देता है। बिल्कुल जी, हम इस पे मजीद भी बात करेंगे, टाइम हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे जोड़ों के दर्द के हवाले से, तो डॉक्टर साहब जोड़ों के दर्द के हवाले से आप बता रहे थे कि एक वजह जो हाँ है ये यूरिक एसिड की एक बड़ी वजह है, इसी तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस भी एक बीमारी है जो आपके बड़े जोड़ों को घेरे में लेता है, ठीक है, जैसे आपके घुटने के जोड़ हो गए, आपके कंधों के जोड़ हो गए, बहुत सारे अमराज हैं। सही, तो डॉक्टर साहब इसके लिए भी टेस्ट जो हैं वो करवाने जरूरी हैं? देखें अगर यूरिक एसिड, सबसे पहले तो जब भी मरीज जोड़ की तकलीफ बताता है
तो उसमें एक प्रोटोकॉल है कि यूरिक एसिड का टेस्ट उसका करवा दिया जाए, ठीक है। तो यूरिक एसिड टेस्ट पहले करवाना चाहिए, अगर उसकी वजह से तकलीफ है तो वो तो कंट्रोल में आ जाता है अद्वियात के जरिए और परहेज वगैरह के जरिए। सही। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही हैं? जी क्या कहना चाहेंगी? जी मैंने डॉक्टर साहब से भी पूछना है कि होम्योपैथिक में सोरायसिस का इलाज है। किस चीज का? हेलो जी, सोरियासिस की बता रहे हैं? जी सोरियासिस की। हाँ बिल्कुल, सोरियासिस की बिल्कुल कामयाब इलाज है, सैकड़ों केसेस हैं हमारे पास इस पे बात। जी मैंने डॉक्टर साहब सॉरी मैं काट रही हूँ आपके पास, मैंने अपनी बेटी का इलाज कराया होम्योपैथिक का, ठीक है, 10 महीने सोरायसिस का, उसको स्किन में था, ठीक है ठीक है, तो वो तो सही हो गया स्किन का, ठीक, अब उसको स्किन का कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि अब उसकी हड्डी में है, नाखून में, बाल में। हाँ और समझ गया, मैं समझ गया, इस पे मैं बात करता हूँ, ठीक है। और हाथों की उंगलियों में, वो 14 साल की है। हाँ वो, लेकिन जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैंने स्किन से तो वो चला गया, लेकिन ये चीज मुझे क्यों तंग कर रही है, नाखून खराब हो रहा है और हाथों की हड्डियाँ, जो सबसे छोटी उंगली है उसकी हड्डी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस पे बात करते हैं, आप तफसील से सुनिए। तो आपको कोई मालूमात तो चाहिए हो मुझसे? नहीं, मैं आपका पूरा मसला समझ गया। ये सोरियासिस जो बीमारी है, इसको अगर सप्रेस किया जाए तो ये जोड़ों में चली जाती है, ये हड्डी में चली जाती है। अच्छा, हाँ, तो आपके ख्याल से उन्होंने इम्यून सप्रेशन दिया मुझे? मुझे तो ऐसे ही लगता है, शायद इम्यून सप्रेस किया हो। इस पे तफसील से बात करते हैं, आप तवज्जो से। होम्योपैथिक में भी इम्यून सप्रेसेंट होते हैं डॉक्टर साहब? आप फोन बंद करके तवज्जो से सुनिएगा, मैं तफसील से डिस्कस करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, आप प्रोग्राम देखते रहिए। जी देखिए, ये जो सोरियासिस बीमारी है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। एलोपैथिक में तो इसको लाइलाज समझा जाता है जी। और इसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके तो इस बीमारी को कुछ हद तक कंट्रोल किया जाता है जी। इन्होंने बताया कि होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल की है, स्किन पे थी बीमारी और स्किन से अभी ख़त्म हो गई है और हड्डियों में चली गई है, ठीक है। अमूमन होम्योपैथिक मेडिसिन से ये बीमारी शिफ्ट नहीं होती, ठीक है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन तो बीमारी को सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है। हड्डी में ये जो बीमारी जाती है, ये बेसिकली जाती है जोड़ों में, और जो बड़े आपके जोड़े नी जॉइंट्स हैं, आपके एल्बोज हैं, इनमें ये बीमारी जाती है, हड्डियों में नहीं जाती, जोड़ों में ये ट्रांसफर हो जाती है, जिसको हम कहते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस, ठीक है। लेकिन इन्होंने साथ ये भी बताया कि इनके जो नाखून हैं वो मुतासर होना शुरू हो गए, तो ये इनकी जो सोरियासिस की बीमारी थी बच्चे की, ये उसी बीमारी का ही एक सिलसिला है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनकी बीमारी जो है वो हड्डियों में चली गई। हाँ, अगर जोड़ इनके मुतासिर हुए हैं तो ऐसा हो सकता है कि इनके जो बच्ची के जो सोरियासिस बीमारी थी वो जोड़ों में पहले से थी, ठीक है। नाखूनों के लिए इनको दवाई बताएंगे, ठीक है। काली सल्फ ये मेडिसिन का नाम है जी। काली सल्फ 6x पोटेंसी में लेनी है, तो इससे ये जो जोड़ों जो नाखूनों में बीमारी शिफ्ट हो गई है, ये नाखून इनके गिर के साफ फ्रेश नाखून आ जाएंगे। सही। तो डॉक्टर साहब ये तो मतलब उन्होंने कहा कि नाखून भी वो हो रहे हैं और हड्डियां जो हाथ की उंगली की हड्डी है वो भी मुतासिर हो रही है। हड्डी मुतासिर तो नहीं होनी चाहिए, हड्डी मुतासिर नहीं होनी चाहिए, ये अभी फिजिकली देखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। इसमें एक्सरे अगर करवा दी जाए तो एक्सरे में भी पता चल जाता है सोरियाटिक आर्थराइटिस का, क्योंकि जोड़ों में कोई डिपॉजिट तो नहीं आया हुआ, तो एक्सरे करवाना चाहिए। एक्सरे से कंफर्म करवा लें कि आया जोड़ों में ये बीमारी है या नहीं। अगर जोड़ों में है फिर तो इनको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, उसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए दोबारा, जिससे इन्होंने मेडिसिन ली है। बिल्कुल जी, आप टेस्ट करवा लें और फिर अपने उन्हीं डॉक्टर से जो है दोबारा से आप रब्ता कर लें। तो खैर एक और हमारे साथ कॉलर हैं, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? जी ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रहे हैं? इब्रार बात कर रहा हूँ, आजाद टिकमेटर के डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं। जी जी कीजिए बात। जी जी क्या पूछना चाहेंगे? अच्छा डॉक्टर साहब, काफी अच्छे से मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे कान में बहुत ज्यादा दर्द है ना। ठीक है ठीक है। और दूसरा ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये CMS पेशावर भी चेक करवाया है जी। ठीक है। आपके सिलसिले में ना ज्यादातर सफर में रहता हूँ तो बड़ी प्रॉब्लम है कि
जिस तरह कान में हवा नहीं भरी जाती है इस तरह मसला है, तो वो वक्ती तौर के ऊपर आराम होता है दवाई से। ठीक है, और कान में दर्द भी होता है ना? आपसे ज्यादा दर्द, बहुत ज्यादा दर्द होता है किसी का। और ये कान का दर्द आपका दूसरे कान में भी शिफ्ट होता है या एक ही कान में रहता है? नहीं नहीं, सिर्फ एक ही कान में रहता है। और इस कान में कोई शोर या कोई इस तरह आवाजें भी सुनाई देती है? नहीं नहीं, आवाजें कोई नहीं, लेकिन दर्द जिस तरह हवा नहीं भरी जाती है अंदर इस तरह। तो ये मैंने पेशावर चेक करवाया है, उन्होंने बताया था कि आपके कान के पर्दे में ना सराफ है, उसकी वजह से ये मसला होता है। तो जिस टाइम मैं थोड़ा सफर भी करता हूँ तो सफर में ज्यादा मसला होता है ये। ठीक है ठीक है। और कान से कोई पस वगैरह भी आती है? नहीं नहीं, पास नहीं आती है, कोई चीज नहीं है, लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मैं आपको एक मेडिसिन बताऊंगा, अगर उस दवाई के साथ आपका कान थोड़ा ड्रेन हुआ, कोई मवाद निकला, तो अच्छी बात होगी। ठीक है, बहुत मेहरबानी सर। जी बहुत शुक्रिया। तो ये पल्सेटीला, पल्सेटीला ये मेडिसिन का नाम है जी। पल्सेटीला 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम तीन टाइम लेंगे तो इंशाल्लाह इनके कान की जो तकलीफ है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर चूंकि कान के पर्दे में जिस तरह इन्होंने बताया कि सुराख हुआ हुआ है, कान का कर पर्दा जो है वो फटा हुआ है, तो अगर उसके पर्दे के पीछे कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ, कोई मवाद हुआ, तो वो ड्रेन हो जाएगा और इनकी तकलीफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। पल्सेटीला 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम। बिल्कुल जी, मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है, नाम आपने नोट कर लिया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ, डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी कीजिए बात। जी जी, ये डॉक्टर साहब, ये मेरी अम्मी को ना मसला है, उनके मैदे में ना गर्मी है, और वो कह रही थी जिगर में भी होती है ना गर्मी महसूस, तो इसके लिए कोई दवाई वगैरह बता दें या कोई टेस्ट वगैरह दे। हाँ बिल्कुल, मैं आपको मेडिसिन बता रहा हूँ, दवाई का नाम नोट कीजिए। जी ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। आप प्रोग्राम देखते रहिए। रोबिनिया, रोबिनिया ये मेडिसिन का नाम है, नोट कर लीजिए। हाँ, रोबिनिया क्यू पोटेंसी में 10 कतरे सुबह नहार पेट इनको लेने चाहिए। ठीक है, इसके साथ मैदे की गर्माइश भी ठीक हो जाएगी और जिगर की गर्माइश अगर SGPT इनका ज्यादा आ रहा है तो वो भी इसके साथ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल जी, आपने मेडिसिन जो है वो इस्तेमाल करनी है। ये जो हमारे कॉलर थे, इनसे पहले जो हमारे कॉलर थे उन्होंने कान के हवाले से बात की थी, तो उस हवाले से एक क्वेश्चन जहन में आ रहा था, तो मैंने कहा आपसे करूंगी, लेकिन कॉलर हमारे साथ मौजूद है, पहले कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, जो आपने दवाई बताई है यूट्रस के बारे में, उसका नाम अगर स्पेलिंग के साथ बता दें तो। हाँ जी बिल्कुल, स्पेलिंग के साथ आपको बता देते हैं। ठीक है ठीक है जी, प्रोग्राम देखते रहिए, नाम आप नोट कर लीजिए। हाँ जी, थैलेसपी, थैलेसपी TH TH ILASPI थैलेसपी जी, थैलेसपी मेडिसिन का नाम है, यकीनन आपने नोट कर लिया होगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे कानों के हवाले से बात हो रही थी, कानों के इन्फेक्शन के हवाले से, तो हम अक्सर देखते हैं कि जरा सा खारिश आई तो लोग जो हैं या तो कोई पिन उठा के वो कर लेते हैं, या कोई ऐसी चीज जो अंदर कान में जख्म बना देती है, या फिर कान के जो पर्दे हैं उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल, अभी तो ये जो ईयरबड्स हम इस्तेमाल करते हैं उसके इस्तेमाल पे भी डॉक्टर्स जो है ENT वाले वो बड़ा एतराज़ करते हैं कि एयरबड्स आप ना इस्तेमाल किया करें, कि उसकी वजह ये है कि जो कान में मवाद है, जो वैक्स है, जो आम तौर पे ज़रूरी है हमारी समात के लिए, हेयरिंग के लिए, वो वैक्स हम उस एयरबड के जरिए वो अंदर पुश होता रहता है, अंदर पुश होता रहता है पर्दे के ऊपर, वो डिपॉजिट होके, तो वो किसी उसको बैक्टीरिया लग जाए तो इन्फेक्शन की शक्ल अख्तियार कर सकता है। तो कोई भी चीज कान में नहीं मानी चाहिए। अगर आप कान की सफाई करते हैं सादा रुई से किया करें। ठीक है, तो ये जो है एहतियात भी बड़ी जरूरी होती है कि इसके बारे में भी आपको पता हो। खैर, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही है? जी साना बात कर रही, लाहौर से। मैंने अपनी मदर के फादर के हवाले से पूछना है। जी जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? उनके पट्टों में बहुत पेन होती है, मेरी मदर के पाँव और ये टांगों में पेन इतनी होती है कि वो चल ही नहीं सकती। फादर का भी यही मसला है, या मेदे में दर्द रहेगी या पेट दर्द, वोमिटिंग और सर पट्टों का मसला, वालदा का भी पट्टों का मसला ही रहता है। ठीक है ठीक है, आपको मेडिसिन बता देते हैं, वो इस्तेमाल करें, लेकिन इनका चेकअप करवाएं। घुटनों में दर्द होती है, उनसे चला नहीं जाता। ठीक है, कोई शुगर या ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड वगैरह चेक करवाया?
हेलो जी, शुगर जी, शुगर जो है ना वो उनकी इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन ब्लड प्रेशर कभी उनका कम और कभी ज्यादा हो जाता है। ठीक है ठीक है, मेडिसिन आपको बताते हैं जी। बहुत शुक्रिया कॉल के लिए, प्रोग्राम आप देखते रहिए। इनके आवाज में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन आ रही थी। बिल्कुल। तो पुलम्बम मेट, पुलम्बम मेट, पुलम्बम मेट, पुलम्बम मेट 30 पोटेंसी के लिए, इनके मदर के लिए 30 पोटेंसी में इनको देनी चाहिए और इनका चेकअप करवाना चाहिए। अमूमन ये शुगर के ज्यादा होने की वजह से भी टांगों के पट्टों में दर्द और कमजोरी ये पाया जाता है। बिल्कुल, और इनके वालिद जो हैं उनके बारे में भी वो बता रही थी कि उनको भी यही पट्टों का और मसला है। हाँ जी, उनके भी चेकअप करवाने चाहिए। बिल्कुल जी, यानी कि पहले जो है चेकअप जरूरी है। ये जो पेन है ना, पेन पेन किसी बीमारी को इंडिकेट करता है। ठीक है, आपके एब्डोमेन में पेन होता है तो ऐसा नहीं है कि आपके पेट की जो स्किन है उसमें दर्द हो रहा है, अंदर कोई ऑर्गन है जिसकी कोई खराबी है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। मैदे में अल्सर है, पेन होगा। पित्ते में पथरी है, पेन होगा। स्प्लीन में गाली है, तकलीफ होगी, पेट सूजेगा। पट्टों में दर्द है, कोई डिफिशियंसी हो सकती है, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है और काफी सारी वजूहात जो है वो हो सकती है। बिल्कुल जी, क्योंकि प्रोग्राम का जो टाइम होता है एक घंटा होता है हमारे पास, तो कॉलर्स भी हमारे साथ मौजूद होते हैं, साथ साथ उन बीमारियों के हवाले से भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि मरीज को जो है अपनी बीमारी के बारे में आगाही मिल सके, उसे ये पता चल सके कि उसने एहतियात क्या करनी है, दवाओं का इस्तेमाल किस तरह करना है। तो ये इस प्रोग्राम का एक मकसद होता है। तो आज आप लोग साथ रहे और जो चीज़ आपको समझ नहीं आई, मेडिसिन का कोई नाम आपको समझ नहीं आया, तो व्हाट्सएप नंबर जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जिन मरीजों को डॉक्टर साहब ने टेस्ट का या रिपोर्ट्स का बताया है, अगर आप टेस्ट करवा के फिर उसी व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कर सकें तो डॉक्टर साहब उस हवाले से भी आपको गाइड कर लेंगे और साथ मेडिसिन भी बता देंगे। जो करीबी इस्लामाबाद के इलाकों में रिहाइश पजीर हैं वो अगर विजिट करना चाहें तो डॉक्टर साहब का क्लिनिक मौजूद है इस्लामाबाद में, G9 मरकज, पैरागॉन सेंटर, गफार होम्योपैथिक फैमिली क्लिनिक के नाम से, तो आप विजिट भी कर सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने साथ दिया। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप कीमती वक्त निकाल के आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर कुछ मजीद बीमारियों पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।